सेशन नंबर 6 ऑफ योर चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो अभी हम यहाँ पे सेशन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टिश्यू कल्चर। सो द थिंग इज, टिश्यू कल्चर क्या होता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट रहता है, ये अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट इट्स अ वेरी स्मॉल सेशन, बट I have to make this session separately because tissue culture is also an important part of this chapter. Clear? So let's start our tissue culture. The production of new plants from a small piece of plant's tissue removed from the growing tips of the plant in a suitable growth medium is called tissue culture. Tissue culture में क्या होता है? जो कोई हमारा old plant है, clear? उसके tips पे जो tissues present रहते हैं, उन टिश्यूज वो पार्ट्स जहाँ पे टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, हम उसे वहां से रिमूव कर लेते हैं। वहां से जो टिश्यू के प्रेजेंट वाले जो पार्ट को हमने रिमूव किया, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसके थ्रू हम न्यू प्लांट का प्रोडक्शन करा देते हैं। तो यही जो प्रोसेस होता है टिश्यू कल्चर कहलाता है। क्लियर? दैट द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट्स टिश्यू रिमूव फ्रॉम द ग्रोइंग tips of a plant in a suitable growth medium is called tissue culture. Simple है कि जो old plants में जो tissues present हैं, उन tissues का, उन plant tissues का use करके हम new plants का formation करते हैं और उसी process को हम tissue culture बोलते हैं। And the growth medium used for growing plant tissue is very important in this process. ये जो टिश्यू कल्चर का प्रोसेस होता है, इसमें जो ग्रोथ मीडियम यूज करते हैं हम किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, किसी भी प्लांट टिश्यू को ग्रो करने के लिए, वो काफी इम्पोर्टेंट रहता है बिकॉज इट कंटेन्स वेरियस प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ चेरी। क्योंकि जो ग्रोथ मीडियम होता है उसमें क्या रहता है, उसमें काफी सारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं जो जेली की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, एंड प्लांट हार्मोन्स विच आर नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ। तो क्या हुआ, उसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स जेली की फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे और प्लांट हार्मोन्स भी प्रेजेंट रहते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। क्लियर? कि जो ग्रोथ मीडियम होता है वो काफी इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, इम्पोर्टेंट रहता है इसमें, क्योंकि जो ग्रोथ मीडियम है उसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं और प्लांट हार्मोन्स प्रेजेंट रहते हैं विच आर नेसेसरी फॉर द प्लांट ग्रोथ। Clear that the growth medium used for growing plant tissues is very important in this process because it contains various plant nutrients in the form of zeli and plant hormones which are necessary for plant growth. Clear? The process of tissue culture for producing new plants is carried out as follows. So, tissue culture ka process hai, wo kaise hota hai? कैसे होता है? A small piece of plant tissue is taken from the growing point of the plant and placed on the sterile jelly which contains nutrients and plant hormones. हम क्या करते हैं? जो plant tissues हैं उनके एक small piece ले लेते हैं। कहाँ से लेंगे? जो हमारा growing point है किसी भी plant का, किसी भी old plant के growing point से हम क्या करेंगे? एक plant tissue का छोटा सा piece ले लेंगे और उसे हम एक स्टेराइल जेली में रख देंगे और जो जेली होगी उसमें न्यूट्रिएंट्स और प्लांट्स हार्मोन्स प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर? दैट अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू इज टेकन फ्रॉम द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द प्लांट एंड प्लेस्ड ऑन अ स्टेराइल जेली व्हिच कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स एंड स्मॉल प्लांट हार्मोन्स एंड देन द हार्मोन्स मेक द सेल्स इन द प्लांट टिश्यू डिवाइड रैपिडली प्रोड्यूसिंग मेनी सेल्स which form a shapeless lump of mass cells called cells. Clear? जो हमारे hormones हैं, the hormones make the cells in the plant tissue. जो hormones हैं, जो cells बनाते हैं plant tissues में, वही जो hormones हैं, वो rapidly divide होने start हो जाते हैं और वो काफी सारे cells का production कर देते हैं. Which form a shapeless lump of mass called cells. अब ये जो rapidly dividation होता है, उसकी वजह से जो cells form होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, एक shapeless lump form हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम cells बोलते हैं. Clear? That hormones make the cells in the plant tissue divide rapidly, producing many cells which form a shapeless lump of mass called cells. Clear? And the cells is then transferred to another jelly containing suitable plant hormone which stimulate the cells to develop root. जो cells होता है वो again transfer किया जाता है to the another jelly. दूसरी jelly में हम जो cells है उसे transfer कर देते हैं. जो jelly होगी उसमें क्या present होंगे? उनमें suitable plant hormones present होंगे
जो सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे टू डेवलप रूट्स इन इट, क्लियर? दैट इज सेलस देन ट्रांसफर टू अनदर सेल कंटेनिंग सुटेबल प्लांट हार्मोन्स व्हिच स्टिमुलेट द सेलस टू डेवलप रूट्स, एंड सेलस विद डेवलप्ड रूट्स इज देन पुट ऑन अ येट अनदर जेली कंटेनिंग डिफरेंट हार्मोन्स व्हिच स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ शूट्स। अब जो सेलर है, सेलस में क्या हुआ, रूट्स डेवलप हो गई। जो रूट डेवलप्ड सेलस है उसे हम अगेन से फिर एक और जेली में रखेंगे जिसमें और डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स प्रेजेंट होंगे। वो हार्मोन्स क्या करेंगे, वो उसमें स्टिमुलेट करेंगे सेलस को टू डेवलपमेंट ऑफ शूट्स। उनकी वजह से क्या होगा, जो शूट्स हैं उनका डेवलपमेंट हो जाएगा। देन द सेलस हैविंग रूट्स एंड शूट्स सेपरेट्स इनटू टिनी प्लांटलेट्स। अब जो सेलस है जिसमें रूट्स और शूट्स दोनों ही प्रेजेंट है वो सेपरेट हो जाएगा टिनी प्लांटलेट्स में, क्लियर? इन दिस वे मैनी टिनी प्लांटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जस्ट अ फ्यू ओरिजिनल प्लांट सेल। और इसी वे में क्या कर सकते हैं हम, काफी सारे छोटे छोटे प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन देखने को हमें मिल जाएगा बाय यूजिंग इवन अ सिंगल ओरिजिनल प्लांट सेल। क्लियर? सिर्फ एक ही ओरिजिनल प्लांट सेल्स के यूज से हमें काफी सारे प्लांटलेट्स मिल जाएंगे, क्लियर? सो द प्लांटलेट्स दस प्रोड्यूस आर ट्रांसप्लांटेड इनटू पॉट्स और सॉइल वेयर दे कैन ग्रो टू फॉर्म मैच्योर प्लांट्स। जो प्लांटलेट्स होंगे वो क्या करेंगे, वो प्रोड्यूस होंगे एंड आर ट्रांसप्लांटेड इनटू पॉट्स। उन्हें हम पॉट्स में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और सॉइल्स में हम उन्हें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं वेयर दे कैन ग्रो टू फॉर्म मैच्योर प्लांट्स, जहाँ पे वो मैच्योर प्लांट्स की फॉर्म में ग्रो हो सकते हैं, क्लियर? हमने क्या किया, हमने सिंपल सा सेलस का फॉर्मेशन कराया। सेलस का फॉर्मेशन कराने के लिए हमने क्या किया, जो ओल्ड प्लांट है उससे हमने टिश्यू लिया, क्लियर? उसका जो टिश्यू जो ग्रोइंग पार्ट है वहां से एक टिश्यू लिया, टिश्यू का एक छोटा सा पीस लिया। उस पीस को हमने क्या किया, एक जैली में रखा जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो हॉर्मोन्स हैं वो प्रेजेंट है। जब हमने वहां पर जैली में रखा तो एक सेलस प्रोड्यूस हुआ। उस सेलस को हमने अगेन एक न्यू जेली में ट्रांसप्लांट किया जहाँ पे कुछ और हार्मोन्स प्रेजेंट थे। उन हार्मोन्स की हेल्प से जो सेलस था उसमें रूट्स डेवलप हो गए। अब जो सेलस जिसमें रूट्स डेवलप हो गए उन उस सेलस को हमने क्या किया, उस सेलस को हमने जाके एक और जेली में रखा जिसमें और डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स प्रेजेंट थे और उसकी वजह से क्या हुआ, जेली में जो शूट्स हैं वो भी डेवलप हो गई। अब रूट और शूट्स डेवलप हुए वाले जो सेलस है उसे क्या हुआ, उसे हमने उसके थ्रू क्या हुआ, अगेन वो सेपरेट हो जाएंगे रूट्स एंड शूट्स, दैट इज जो प्लांटलेट्स है उनका फॉर्मेशन हो गया। अब जो प्लांटलेट्स है हम उन्हें ट्रांसप्लांट कर देते हैं किसी भी सॉयल में या पॉट में जिसके थ्रू वो मैच्योर प्लांट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्लियर? देयर इज अ नोट फॉर यू दैट The tissue culture technique is being used increasingly for the production of ornamental plants like orchids, dahlia, and carnation. जितने भी हमारे टिश्यू कल्चर के टेक्निक्स हैं वो ज्यादातर हम कहाँ पे यूज करते हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। जितने भी हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हुए जैसे ऑर्चिड्स हुए, डेलिया हुआ, कार्नेशन हुआ, इन सब के लिए हम टिश्यू कल्चर टेक्निक को यूज करते हैं। एंड द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स बाय द मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपगेशन, क्लियर? माइक्रो प्रोपगेशन से हम कहते हैं जो हमारे टिश्यू कल्चर से प्लांट्स के प्रोडक्शन के प्रोसेस को हम माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, सिंपल सा रीजन है, माइक्रो प्रोपेगेशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम काफी माइक्रो ऑर्गन दैट इज टिश्यूज का यूज करके प्लांट्स को फॉर्म करते हैं, प्लांट्स का रिप्रोडक्शन कराते हैं, क्लियर? अब आ जाती है जो टिश्यू कल्चर है उसके एडवांटेजेस क्या है। तो टिश्यू कल्चर इज अ वेरी फास्ट टेक्निक, थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट्स कैन बी प्रोड्यूस इन अ फ्यू वीक्स टाइम फ्रॉम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू। क्या होता है, जो हमारा टिश्यू कल्चर है काफी फास्ट टेक्निक है और हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट के टिश्यू के सिर्फ एक छोटे से अमाउंट से हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट्स का प्रोडक्शन एक वीक में हम कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी फास्ट टेक्निक। सेकेंड, द न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू कल्चर आर डिजीज फ्री। जितने भी न्यू प्लांट्स हमारे प्रोड्यूस होंगे टिश्यू कल्चर से वो सब क्या होंगे, डिसीज फ्री रहेंगे। ऑल्सो टिश्यू कल्चर कैन ग्रो प्लांट्स राउंड द ईयर इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर एंड सीजन। टिश्यू कल्चर के थ्रू जो हम प्लांट्स हैं उनको
कहीं भी, आई मीन टू से ईयर में कभी भी ग्रो करा सकते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर और सीजन। नो मैटर क्या वेदर है, क्या सीजन है, टिश्यू कल्चर के थ्रू हम किसी भी सीजन किसी भी वेदर में प्लांट को इजीली ग्रो करा सकते हैं। एंड अ वेरी लिटिल स्पेस इज नीडेड फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट्स बाय टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का यूज करके जब यूज करते हैं तो काफी लिटिल स्पेस हमें रिक्वायरमेंट होता है फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट्स बाय द टिश्यू कल्चर। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने क्या स्टडी किया, आज हमने टिश्यू कल्चर की स्टडी के बारे में स्टडी किया। फर्स्ट हमने स्टडी किया टिश्यू कल्चर होता क्या है, सेकंड हमने स्टडी किया कि जो टिश्यू कल्चर है उसका प्रोसेस कैसे होता है। उसमें हमने ये देखा कि पहले क्या कहा, हमने जो टिश्यू है वो एक प्लांट से टिश्यू पार्ट लिया, उस टिश्यू पार्ट को हमने एक जाली में रखा जिसमें न्यूट्रिएंट्स और टिश्यू हार्मोन्स प्रेजेंट थे। उसके थ्रू जब सेलस ने रूट्स, जो सेलस बना, जो सेलस है हमने उसे अगेन एक उसमें ट्रांसफर किया जेली में जिसमें प्लांट हार्मोन्स प्रेजेंट है, उसकी वजह से उसमें रूट्स डेवलप हो गए। अब जब रूट डेवलप्स हो गए तो उसे अगेन हमने एक जेली में रखा, उसमें डिफरेंट टाइप के प्लांट हार्मोन्स प्रेजेंट है जिनकी वजह से जो सेलस है उसमें शूट्स डेवलप हो गए। अब जब सेलस में रूट्स और शूट्स दोनों है तो प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो प्लांटलेट्स है उन्हें हम इजीली सॉइल में या पॉट्स में बरी कर सकते हैं, और उसके थ्रू हमें न्यू मैच्योर प्लांट्स का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट, वी हैव लर्नड अबाउट टिश्यू कल्चर एंड अलोंग विद दैट वी हैव आल्सो लर्नड अबाउट एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर। बाय द वे आई थिंक इट्स एनफ फॉर टिश्यू कल्चर। इन नेक्स्ट सेशन वी विल गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन गुड लक।